नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। महिला सुरक्षा की चर्चा इस समय लगातार हो रही है और हो भी क्यों ना। लगातार आधी आबादी यानी हमारी बेटियों के साथ मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हो रही हैं। सरकार अपना नारी सुरक्षा का दावा करती है पर मामला वही होता है, ढाक के तीन पात। लगातार बढ़ता महिला अपराध का ग्राफ बताता है कि सब वादे और नीतियां केवल नाम की हैं और अपराधियों में डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। पर इन घटनाओं से जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए। जिस नारी को हमारे देश में पूजने की सभ्यता और संस्कृति है, वहां नारी के साथ दर्दनाक नृशंस घटनाएं घटित हो रही हैं। आज ये मुद्दा बहुत अहम बन चुका है और सी न्यूज भारत हमेशा से जनता के ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करता है। तो देखिए सी न्यूज भारत पर तहजीब के शहर यानी लखनऊ की जनता के गुस्से से भरे बयान। एक देश का बहुत बड़ा रहनुमा, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ उच्चारण में निकला, जो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं। आप ये वाराणसी में जो है एक बच्ची के साथ निर्मम रेप हो रहा हो और रेप करने वाला भाजपा का मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहा हो, आपकी भी बात मैंने सुना। अभी हमारे एक मित्र ने कहा तो आप बंगाल पे चले गए, आइए मणिपुर चलिए, मणिपुर में क्या हुआ बताएंगे आप। तो नारी को नारी के रूप में देखना चाहिए, न कि पार्टी से बात कर देखना चाहिए। कहीं भी अन्याय नारी पे हो रहा है तो जो भी अन्यायी है, जो भी दोषी है, जो भी अपराधी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को खंभे पे लटका देना चाहिए, फांसी दे देना चाहिए। लेकिन ये सरकारें पता नहीं क्या कर रही है और वो भी राम राज्य में हो रहा है, ये शर्म की बात है। यहाँ पे आके तो सुरक्षित महसूस नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, राइट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ। इट्स नॉट कि कोई नेता के एक दिन में कुछ चेंज कर लेगा। आई थिंक ये एक सोच बदलनी है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपने बॉयज़ को समझाना पड़ेगा। मोर देन गर्ल्स, बॉयज़ को अच्छे अपब्रिंगिंग चाहिए और प्लस एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पर स्ट्रिक्टनेस हो रूल्स की। When I'm with my parents, I do, but alone it's not good. You feel you are safe in India? You feel comfortable in India? When I'm with family, yes, but alone I don't think so. No. ना सर, क्या सुरक्षा कर पा रहे हैं? हम तो नहीं संतुष्ट हैं। क्या सुरक्षा हो रही है महिलाओं को? कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। कोई आप कितना अपने आप को सुरक्षित मानती हैं यहाँ पर लखनऊ में? हम कुछ भी नहीं सुरक्षा मानते हैं। अगर हम हैं हमारे जैसे अपने ऊपर हम सुरक्षा मानते हैं, बाकी सरकार क्या सुरक्षा दे रही है? अच्छा, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता और नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये कुछ लाइनें नहीं हैं बल्कि ये भाव हैं जो हम नारी के प्रति व्यक्त करते हैं, हमेशा व्यक्त करते हैं। और हमारे देश में जहाँ पर नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है, पूजते हैं, हम उनका पूजन करते हैं, उस देश में अगर लगातार नारी सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ होगा, तमाम ऐसे घटनाएँ हैं जिस देश में 90 के लगभग रेप प्रतिदिन होते हों, वहाँ पर बात सोचने वाली बात होती है। चाहे हम कोलकाता की बात करें, चाहे मुरादाबाद की बात करें और चाहे देहरादून की बात करें, सब जगह महिला एक हैं। और चाहे मणिपुर की और संदेश खाली की बात करें, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुरक्षा की स्थिति में क्या स्थिति है आज के समय में नारी सुरक्षा की, क्या बोलेंगे। बड़ा मुद्दा है, आधी आबादी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है और उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस। बिल्कुल आपने सही कहा, एक देश का बहुत बड़ा रहनुमा, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ उच्चारण में निकला, जो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं। अब रह गया सवाल कि नारी सुरक्षा, नारी की सुरक्षा की जब बात होती है तो आने वाला कल का इतिहास जो है इस वर्तमान भाजपा के सरकार और विशेषकर मोदी जी की सरकार का कालखंड का अनुकरण जरूर करेगा कि जिसके कालखंड में मणिपुर जल रहा हो,
मणिपुर में रेपों का भरमार लगा हुआ हो, वहाँ इंसानियत मताहत हो रही हो, वहाँ भारत की परंपरा मर रही हो, देश का संविधान चरमरा रहा हो, यहाँ हथरस में एक दलित की बेटी को 2 बजे रात में आपकी पुलिस जो है टायर पर रख करके लाशें जला देती हो, आप ये वाराणसी में जो है एक बच्ची के साथ निर्मम रेप हो रहा हो और रेप करने वाला भाजपा का मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहा हो। ठीक है, मेरे एक सवाल और है, आपने मिर्जापुर हाथरस समाप्त कर लिया, पश्चिम बंगाल कोलकाता की क्या बात करेंगे, वो भूल गए, संदेश खाली की बात करेंगे, वो भूल गए, क्या दर्द अलग है या नारी अलग है, क्या बोल देंगे, पश्चिम बंगाल पे ही बोल देंगे। मैं उत्तराखंड को भी भूल गया, मैं पश्चिमी बंगाल को भी भूल गया, लेकिन स्मरण रहे कि जिस संदर्भ में आपने कोट किया है, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बुआ, किसी की माँ, हमारी आबरू है, भारत की अस्मत है, भारत का वो जो है लक्ष्मीबाई है, अगर कहीं किसी महिला का अगर रेप होता है उसको अपमानित किया जाता है तो मैं समझता हूं कि भारत का संविधान का अपमान है, भारत का सिस्टम का अपमान है और भारत के लालों का अपमान है, ये भारतीय जनता पार्टी का राज। क्या बोले दादा, बड़ी घटनाएं हो रही है, नारी सुरक्षा की बातें हैं, परिस्थिति ढाक के 3 पात, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और जिस तरह से यहाँ पर रेप हो रहे हैं, क्या मानते हैं, कौन दोषी है, राज्य सरकारें भी यहाँ पर शांत बैठी है और केंद्र सरकार भी शांत बैठी है। दोष देना न देना, शायद आपको याद हो, न याद हो तो आप पुराने हैं, मैं बताने के लिए शुरू कर रहा हूँ। कबीरदास को यह देश, कबीर ने क्या कहा, जब कबीर को नहीं माना तो क्या यह देश और मानेगा, किसकी बात करूं, नरेंद्र मोदी की, जो गुजरात का भगोड़ा है, गुजरात से भगोड़ा आकर के देश का प्रधानमंत्री बन गया, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, मुरली मनोहर देश नेता नहीं थे, लाल किशन अडवाणी हिंदू नहीं थे, यही हिंदू का पिटारा लेके आए हैं। मैं कहना चाहूंगा ऐसे प्रधानमंत्री को कि आप ये महिलाओं पर जो आप बराबर कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि मैं इतनी सुरक्षा, आपकी भी बात मैंने सुना, अभी हमारे एक मित्र ने कहा तो आप बंगाल पे चले गए, आइए मणिपुर चलिए, मणिपुर में क्या हुआ बताएंगे आप। पश्चिम बंगाल की महिलाएं नहीं है, संदेश खाली की महिलाएं नहीं है, कोलकाता में डूनर डॉक्टर रेप हुआ, रेप नहीं है, उस पर भी मैंने सीधे कहा कि सारा जितनी घटनाएं होती जा रही हैं, आप यहीं आए हैं, चलिए मैं यहीं की बात कर रहा हूं, यहीं आए हैं आप, आज चैनल पे पूछ रहे हैं, लड़के लड़कियां सिगरेट पीते हैं और अच्छे ढंग से लोग पिलाते हैं और उनको लेके जाते हैं, ये कहाँ का सवाल है, ये शर्मा जी चाय पिलवाते हैं और शर्मा जी सिगरेट पिलवाते हैं, शर्मा जी बहुत कुछ करने के लिए तैयार। क्या बोलेंगे नारी सुरक्षा पर, नारी सुरक्षा पे देश के प्रधानमंत्री जी को जो है विशेष ध्यान देना चाहिए, प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री हैं चाहे जिस प्रदेश को हो, नारी सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए, आधी आबादी है वही महिला, हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी पत्नी भी है, हमारी मौसी भी है, तो वो संबंधों का कितना गहरा संबंध है ये पुरुषों को भी सोचना चाहिए, और अगर कोई अपराध करता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए, लेकिन यह पार्टी देख के काम हो रहा, जैसे हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि बनारस में हुआ और उन्नाव में हुआ, हाथरस में हुआ या कहीं भी हो, तो नारी को नारी के रूप में देखना चाहिए, न कि पार्टी से बात कर देखना चाहिए, कहीं भी अन्याय नारी पे हो रहा है तो जो भी अन्यायी है, जो भी दोषी है, जो भी अपराधी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को खंभे पे लटका देना चाहिए, फांसी दे देना चाहिए, लेकिन ये सरकारें पता नहीं क्या कर रही हैं और वो भी राम राज्य में हो रहा है, ये शर्म की बात है। नारी सुरक्षा की बात करते हैं, लगातार महिलाओं अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार आंकड़े बढ़ते चले जाए, चाहे हम घटना कोलकाता के लिए, चाहे उन्नाव के लिए, चाहे हाथरस के लिए, चाहे देहरादून के लिए, स्थिति खराब है, आपको लगता है कि केवल यहाँ पर बातें हो रही हैं सुरक्षा के नाम पर, और यहाँ पर राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, सब यहाँ पर नाकाम है। देखिए, लाखों महिलाओं के साथ हम बिस्तर होने के बाद एक सांसद बनता है,
एमपी बनता है, अपराध की दुनिया से लौट करके आने वाला राज्यसभा का मेंबर बनता है, मेंबर पार्लियामेंट बनता है, विधानसभा बनता है, नेतागिरी करता है। नेतागिरी में जब तक वो अपराध नहीं करेगा, महिलाओं का उपयोग नहीं करेगा, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने देखा है कि पुलिस का रेप कर रही है, अधिकारी अपने कर्मचारी का रेप कर रहा है। कहीं ना कहीं जब तक सामाजिक कानून लागू नहीं होंगे, समाज को कानून बनाने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, कानून को लागू करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये आप रोक अपराध नहीं रोक सकते। मुलायम सिंह आएंगे अपने अपराधियों को छोड़ देंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे अपने ऊपर उठाए लगे हुए सारे केस को स्वयं ही उठा लेंगे। तो जब ऐसे ही लोग हमारे देश में हैं तो न्याय व्यवस्था नहीं की जा सकती। और रही बात आपकी सुरक्षा की, तो सुरक्षा की गारंटी तो खुद की नहीं है। जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद नहीं रख सका और संसद में रोया, वो क्या कानून बनाएगा, कैसे कर रोकेगा? सर मैं तो सीधा सा ये जानता हूँ, देख रहा हूँ 10 साल से जिस तरीके से महिलाओं के साथ हो रहा है, मुझे लगता है बहुत जरूरी है देश में बहुत बड़े बदलाव के लिए। तो हम समझते हैं केंद्र में एक तरीके से देश ने कि जनता ने जवाब दे तो दिया है 240 के तहत जवाब में। मुझे लगता है जहाँ पर इनके राज्य थे, अब आप ये देखिए बीजेपी कई राज्यों में ये बीजेपी की सरकार थी, मगर क्या इन्होंने इस तरीके का कोई महिलाओं की सुरक्षा का कोई कदम उठाया? कभी नहीं उठाया, ना ही ये कभी उठाएंगे, क्योंकि इनमें खुद भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी इनकी पार्टी में पूजे जाते हैं, नवाजे जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि दिल्ली स्तर पर हो या देश स्तर पर राज्यों में हो, कम से कम मैं ये समझता हूँ जहाँ जहाँ आप उठाकर भाजपा की सरकार देख लीजिए, वहाँ पर ये इस तरीके का महिलाओं के साथ क्राइम कम है बनस्पत किसी और राज्यों में। तो मुझे लगता है बदलाव बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या मानती हैं, जिस तरह से लगातार महिला संबंधी अपराध हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, सरकारें यहाँ पर केवल बताती हैं कि महिला सुरक्षा है, महिला सुरक्षा है, क्या लगता है समाज की? है सर, लेकिन महिला सुरक्षा कहाँ हो रहा है? महिला सुरक्षा कहीं हो रहा है? हमारी बहन बेटियों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, वहाँ पर पता चला कि उनका रेप हो गया तो उनका क्या हो गया, अनेक प्रकार के बच्चे हैं पढ़ लिख के पढ़ाई लिखाई करके बैठे हैं, ना तो नौकरी मिल रही है ना तो कुछ हो रहा है, तो क्या सुरक्षा है? हमें तो कुछ भी सुरक्षा नहीं है। कितना संतुष्ट मानती हैं आप केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, महिला की सुरक्षा कर पा रही हैं? केवल यहाँ पर बातें हैं सर, क्या सुरक्षा कर पा रहे हैं? हम तो नहीं संतुष्ट हैं, क्या सुरक्षा हो रही है महिलाओं को? कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। कोई आप कितना अपने आप को सुरक्षित मानती हैं यहाँ पर लखनऊ में? हम कुछ भी नहीं सुरक्षा मानते हैं, अगर हम हैं हमारे जैसे अपने ऊपर हम सुरक्षा मानते हैं, बाकी सरकार क्या सुरक्षा दे रही है? अच्छा, अगर हमारे पास पैसा है, जिसके पास पैसा है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो अगर हमारा बलात्कार हो गया ना, कुछ भी हुआ, तो जो पैसा जो बलात्कार करने वाला पैसा दे दिया, बस वहाँ ख़त्म काम। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लगातार सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, आधी आबादी की बात करती है, पर महिला सुरक्षा के नाम से जो रेप हो रहा है, जो सरयाम यहाँ पर उजागर हो रहा है, 87,000 महिलाओं का यहाँ प्रतिदिन रेप हो रहा है, कितना मानती, कितनी सुरक्षित है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में? यहाँ पे आके तो सुरक्षित महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, राइट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ। इट्स नॉट कि कोई नेता के एक दिन में कुछ चेंज कर लेगा। आई थिंक ये एक सोच बदलनी है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपने बॉयज़ को समझाना पड़ेगा, मोर देन गर्ल्स बॉयज़ को अच्छे अपब्रिंगिंग चाहिए, और प्लस एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस हो रूल्स की, देयर स्ट्रिक्ट फाइंस हो, इम्प्लिकेशंस हो, कि लोग डरें, थोड़ा तो डर चाहिए। एक बार जहाँ पे डर होगा, जैसे आपने ट्रैफिक के रूल तोड़े, कोई डर नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही होता है, तो दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर। कहाँ से आती हैं आप? हम यूके में रहते हैं एक्चुअली, हाँ, तो हम यहाँ 20 साल से नहीं रह रहे हैं, तो मुझे उतना नहीं आइडिया है, बट यूके में मैं 12 बजे तक रात में आराम से अकेले घूमती हूँ, बट यहाँ पे मुझे अपने हस्बैंड को लेके हमेशा जाना पड़ता है, और अपनी डॉटर को तो मैं सोच भी नहीं सकती कि सुरक्षा का भाव है। आपको लगता है कि अभी सुरक्षित नहीं है? रात तो छोड़ दो, आपको दिन में भी थोड़ा सा देख के ही चलना पड़ता है, आते जाते लोग धक्का ही मार देते हैं। यूके से हैं आप, ठीक है, कल्चर अलग है, डिफरेंट है, एडवांस कल्चर है, एडवांस कल्चर यहाँ भी अडॉप्ट हो रहा है, पर अगर हम वर्तमान की बात करें, कितना अच्छा लगता है, महसूस करती हैं हिंदुस्तान में सुरक्षा है, यू आर सेफ हियर? आई थिंक इंग्लिश में बात करें, या यू कैन प्लीज। आई थिंक दैट इन द पीपल्स माइंड्स नीड टू बी चेंज्ड, एंड जो यहाँ पे थूकते हैं सब लोग,
It's not nice. It's about the girl's safety issue. Oh. Yes. So. How often in girl's safety in India? Do you feel comfortable here? When I'm with my parents, I do. But alone, it's not good. You feel you are safe in India? You feel comfortable in India? When I'm with family, yes, but alone, I don't think so. No. सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा है हमारा, पर उसके बावजूद भी अगर हम नारी सुरक्षा की बात करें, सेफ्टी की बात करें, जैसा कि मैडम ने बताया अभी, कि आज भी महसूस करती हैं कि 12 बजे तक हम लोग रात तक नहीं घूम सकते, आज महसूस उनको होता है सेफ नहीं है। क्या कारण मानते हैं? लगातार रेप हो रहे हैं, 87 महिलाओं का प्रतिदिन हिंदुस्तान में रेप होता है। सरकारें क्या कर रही हैं, क्या लगता है कितनी सुरक्षित है और सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार हर जगह तो नहीं पहुंच सकती है, और कहीं कहीं आपके घर कोने में कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं, उसकी सेफ्टी अपने अंदर है। मतलब आप जो लोग हैं, अगर उनमें जागरूकता है, उनमें अगर उनके अपने परिवार के प्रति जो भावना है, सेम भावना अगर वो अपने आसपास के लोगों के प्रति लेके आए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जागरूक करने की जीत है ज़रूरत, लड़कों को, बच्चों को, जो लड़के जो परेशान करते हैं लड़कियों को, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है, ताकि उनको समझ में आए कि ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका करियर ज़रूरी है, जिससे वो थोड़े चार दिशा देने की ज़रूरत है। कितनी यहाँ महिला सुरक्षा है, कितना कारगर है? महिला सुरक्षा के लिए सर उतनी सरकार तो उतनी जिम्मेदार नहीं होती है, जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, समाज भी उसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, समाज को भी इसके लिए काफ़ी सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। और सरकार जहां तक कि अभी कुछ हाँ फेलियर हो रही है, उसके लिए काफ़ी एक मतलब जागरूकता की ज़रूरत है। क्या बोलेंगे भाई? देखिए, अगर आप बात करते हैं अभी हमारे यहाँ की सुरक्षा का, तो हमारे यहाँ सुरक्षा के नाम पर तो ना पुरुष सेफ है और ना महिला सेफ है। अच्छा, शायद आप इससे आप भी थोड़ा सा हमारे लिए सहमत होंगे। ठीक है, आप राह चलते आपको मार दिया जाता है और पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। इसके लिए हमारी हमारी सरकार को, हमारी पुलिस को सबसे ज़्यादा सजग होना चाहिए। ठीक है, अभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, 112 पे आप कॉल करते रहेंगे, एक दो घंटे तक पुलिस आएगी ही नहीं, उस कंडीशन में क्या होता है। तो हमारी यूपी पुलिस को पहले सुधार आना चाहिए, जब क्राइम रेट कम करने के लिए, जब हमारा कानून प्रशासन ही नहीं अच्छा है, तो ये सब चीज़ें तो बढ़ती ही रहेंगी, इसको कभी हम कोई नहीं रोक सकते हैं। और प्लस सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमको चीज़ों की नॉलेज मिलती है। यहाँ पे ये जो नग्नता दिखाई जा रही है, इन सब पे बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। आधी आबादी की सुरक्षा कितना सेफ मानती है, और सरकारें यहाँ क्या कर रही हैं? अगर लगातार रेप हो रहे हैं, मर्द शर्मसार हो रही है और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ एक ये कहें कि नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमको एजुकेशन अपने घर से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि बच्चियों को बाहर नहीं भेजो, रात में काम नहीं करवाओ, कपड़े ऐसे पहनाओ, लेट टाइम ना घूमवाओ, अंदर रखो, तो ये नहीं है। हम अपने बेटों को क्यों नहीं अंदर रखते हैं, क्यों बेटियों को अंदर रखते हैं, क्यों नहीं बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं बेटा, ये जो सामने जा रही है, रिस्पेक्ट दैट लेडी, रिस्पेक्ट हर। तो पहले हमको बेटों को एजुकेट करना है, और बेटे जब एजुकेटेड हो जाएंगे, हमको ये नहीं, हर एक माँ चाहती है ज़्यादातर इंडिया में कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, तो उस बेटे को आपने क्या परवरिश दी है कि वो बाहर जाके हो गए। हालांकि कोई माँ नहीं सिखाती है कि बाहर जाके रेप कर दो या किसी को छेड़ दो, किसी को मार दो, बट हाँ, एजुकेशन, फर्स्ट एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम होम। तो ये हमारे साथ अभी लोगों की राय जानी, कुछ लोगों ने अपने भी राय दी यहाँ पर। हालांकि ये भी देखा हमने, कई लोगों ने यहाँ पर उत्तराखंड की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, पश्चिम बंगाल की बात करते लोग नज़र चुराते नजर आए। ऐसा क्यों? महिलाएं महिलाएं और सब जगह बराबर हैं, दर्द सब जगह एक है और होना भी चाहिए। आधी आबादी है, हम लोग कन्या पूजन करते हैं, याद करते हैं और हमेशा नारी को शक्ति के रूप में मानते आए हैं। तो उसी नारी की हमारे देश में इतनी अनदेखी क्यों? लगातार मामले बढ़ रहे हैं और लगातार घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो अभी एक समय चल भी रहा है कि चलो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, यानी समय आ गया है लक्ष्मी बनने का, समय आ गया दुर्गावती बनने का, और समय आ गया है एक ऐसी नारी बनने का जो अपराध के खिलाफ अपने आप सशक्त करे और यहाँ जवाब दे, जो उनको छेड़ने आए या रेप करने आए उसका वहीं पर परिणाम दे सके। ऐसी नारी की आवश्यकता है और समाज को भी ज़रूरत है ऐसी दंड नीति की, कि नज़ीर बन सके और लोग याद रखें कि हमको ये कत्य नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा परिणाम घटित होगा जो अभी तक ना किसी सुना होगा ना ही देखा होगा। कैप्टन अमृत प्रसाद, गौरव श्रीवास्तव, सीरीज भारत, लखनऊ। इस खास पेशकश में बस इतना ही।
देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।